ये जो कुआं आप देख रहे हैं, ये आम पानी के कुएं से अलग है। इस कुएं का पानी सफेद रंग का दिखाई देता है, जैसे कि ये पानी और दूध का मिश्रण हो। तेलंगाना के करीमनगर जिले के मोलंगूर खिल्ला में स्थित इस कुएं को यहाँ के लोग दूध बावी और दूध बावली के नाम से जानते हैं, मतलब कि दूध का कुआं। मोलंगूर के लोगों का मानना है कि कुएं के पानी के इस दूधिया रंग ने इलाके को पहचान दिलाई है। स्थानीय लोग पानी का इस्तेमाल पीने के लिए और अपनी दूसरी जरूरतों के लिए करते हैं। दूध बाई अंटे मोलंगूर दूध बाई प्रत्येक दूध बाई दूध अनगा पालू అది బాయి, ఆ బాయి లోపల ఏంటంటే పాలను చూ నీళ్ళను చూస్తే ఏంటంటే పాలలాగా ఉంటాయి. మనం బకెట్తో చేదుకున్నా మనం బాయిలో చూసినా కానీ అవి ఏంటంటే పాల గిన్నె, పాలు వంచిన తర్వాత గిన్నెల మనం నీళ్ళు పోస్తే ఏ కలర్ ఉంటాయో పాలు, నీళ్ళు పాలు మిక్స్ అయితే ఎట్లా ఉంటుందో ఆ రకంగా ఈ బాయిలో కూడా నీళ్లు కూడా పాలు కలిసిన నీళ్ళలాగా ఉంటాయి. అందుకే దీనికి దూద్ బాయి అని పేరు వచ్చింది. गांव के लोगों का मानना है कि काकतीय वंश के शासन के दौरान मोलंगूर का किला जब बनवाया जा रहा था, उसी दौरान ये कुआं खोदा गया था। स्थानीय ये भी मानते हैं कि आसपास के पहाड़ियों से पानी बहकर आने की वजह से इसमें कई औषधीय गुण भी हैं। ऐसे में ये सेहत के लिए भी लाभदायक है। गांव वालों का दावा है कि निजाम शासक इस कुएं के पानी को गोलकुंडा किले तक भी पहुँचाते थे और वहाँ इसका इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता था। किले के प्रवेश द्वार पर दरगाह है और वहां कंदूरी उत्सव आयोजित कराया जाता है। इस उत्सव में आने वाले श्रद्धालु कुएं से पानी को डब्बे और बोतलों में भरकर अपने अपने घरों तक ले जाते हैं। तेलंगाना के पुरातत्व विभाग ने मोलंगूर किले को संरक्षित स्मारक के तौर पर नोटिफाई किया है। రాధాపూరు కాతాపూరు గద్దపాక ఏది చెరువు పక్క పొట్టి మల్లేపల్లి గణపకులు చేరేది మా అక్కడే ఆడ పక్క దగ్గర పోయేది. ఈ దూదిపాయలు వెళ్ళంటే ప్రీతి హైదరాబాద్ కూడా పోయేదట. వీడు వచ్చి ఆడవాళ్ళు మొగోళ్ళు నీళ్ళు చేసుకుంటే కట్టుబడి తాగి ఓ దమ్ము కూతుండి మళ్ళా తాగి తృప్తిగా పోయేది. మొలంగూర్ కా కిలా గ్రెనైట్ కి పహాడియో సే ఘిరా హువా హై. पीबीसी ने करीमनगर के भूमिगत जल संसाधन विभाग और एक भूविज्ञानी से बात करके ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इस कुएं का पानी सफेद रंग का क्यों है। क्वार्ट्ज वीन एंटे मिल्की क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज लो अमेथिस्ट क्वार्ट्ज अनी मिल्की क्वार्ट्ज अनी चाला रकालैनटुवंटि क्वार्ट्ज उंटायि. ई क्वार्ट्ज एंदि अंटे क्वार्ट्ज माइनिंग चेस्ते अंदुलो कूडा नीळ्ळु वस्तुंटायि एक्कडैना ఈ మన దూదిబాయి ప్రదేశంలో క్వార్ట్జ్ వీన్ ఉండడం వల్ల నీళ్లు తెల్లగా కనిపిస్తాయి, చేతిలోకి తీసుకుంటే నార్మల్గా కనిపిస్తుంటాయి. అడుగు భాగంలో చుట్టుపక్కల క్వార్ట్జ్ వీన్ ఉండడం వల్ల మనకు అలా పాలలాగా తెల్లగా కనిపిస్తుంటాయి. करीमनगर भूमिगत जल संसाधन की उपनिदेशक शैलाश्री मल्लिका देवी बीबीसी से कहती हैं कि तेलंगाना के भूमिगत जल संसाधन विभाग ने साल 2019 में इस कुएं में पानी की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए परीक्षण किया था। उन्होंने पानी के पीने के लिए उपयुक्त होने का ऐलान किया था। हालांकि हाल के दिनों में कुएं में पानी में कुछ बदलाव आया है और पानी के नमूने फिर से परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। नतीजे आने के बाद इसका ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा।